As proposed, today I'm starting with a new chapter from geography, agriculture. From this chapter, you can expect maps as well as questions related to difference between. And one question is there, that is, what are the policies or the initiatives taken by Government of India for the improvement of agriculture? अभी आज वी हैड द बजट सेशन एंड इफ यू लुक इन टू द बजट, अगर आप लोग बजट जानते हो, आई डोंट वॉन्ट टू यू नो अभी इस पर भी आई एम नॉट गोइंग टू डिबेट ऑन दिस. बजट इज एवरी ईयर द गवर्नमेंट एलोकेट सम फंड फॉर सर्टेन एरियाज. और इंडिया हमारा जो है, इट हैज बीन एन एग्रीकल्चरल कंट्री. और आज भी अगर हम सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी को पढ़ते हैं इन इकोनॉमिक्स, तो 50% ऑफ अवर वर्कफोर्स इज इन एग्रीकल्चर. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे व्हाट एग्रीकल्चर इज टू इंडिया, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स टू विच थ्रू विच वी डू द फार्मिंग, and then what are the most important crops that are grown in India, unke requirement jo aapke exam ka one marker as well as the five marker question can be there. Now you might think ki one matlab one mein to identify karne ko aata, most of the cases you will be having the identification. आपको उसका सॉइल, आपको उसका टेम्परेचर, आपको उसका जो है मेजर एरियाज बता देंगे एंड यू नीड टू आइडेंटिफाई व्हाट काइंड ऑफ क्रॉप इज इट. एंड अर्लियर द क्वेश्चन यूज टू कम की इस पर्टिकुलर क्रॉप के लिए, लाइक वीट है, राइस है, रबर है, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स दैट, मतलब की द ज्योग्राफिकल रिक्वायरमेंट्स फॉर ग्रोइंग अप ऑफ दैट क्रॉप. And then, what are the initiatives which have been taken by the government to improve this sector? This is what we learn in this chapter, that is agriculture. From the map point of view, you would be having the areas to mark for the major crops. जो भी आपके major crops हैं, that may be in the identification कि यहाँ पर ये crop grow होता है, तो ये कौन सा state है? So let us start the chapter along with my notes. The notes are part of your NCERT only. So even if you don't open the NCERT, then also you would be able to score full on full in this particular chapter if you go with this, with these notes. As I said, India is an agrarian country. Yani hamare yahan par maximum hamara jo sector hai wo agriculture se aa raha hai. And when we say agriculture, to there is a way of farming. Hum jo practice karte hain कि हम एग्रीकल्चर को कैसे कैसे करते हैं. घर के अंदर वी ऑल नो, वी मे बी हैविंग अ स्मॉल गार्डन, वी मे बी हैविंग अ स्मॉल पॉट पॉट उसके अंदर हमने जो है सीड्स डाले, पानी डाला, फर्टिलाइजर डाला, इंसेक्टिसाइड डाला. दिस इज व्हाट इज अ ड्राफ्ट. तो ऑन द लार्ज ट्रैक्ट ऑफ लैंड्स, जो बड़े बड़े आपके लैंड्स होते हैं, जो आपके पीजेंट्स के पास हो सकते हैं या फिर आपके स्मॉल फार्मर्स के पास या ग्रो, तो हाउ डू दे ग्रो दीज फार्म्स. तो देर आर डिफरेंट वेज. सबसे पहला हमारा आता है और वो है प्रिमिटिव. नाउ इफ यू लुक इन टू द वर्ड, इट इटसेल्फ सेज प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग. प्रिमिटिव का मतलब पुराने जमाने का, ओल्ड मेथड्स. सब्सिस्टेंस का मतलब होता है अपने को फुलफिल करना, टू फुलफिल आर ओन नीड्स. सब्सिस्टेंस इज टू फुलफिल आर ओन नीड्स. दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड ऑन अ स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड. प्रिमिटिव टूल्स, इसके अंदर आपके टूल्स होते हैं दाऊ, मतलब देर आर सम टूल्स विच आर अवेलेबल.
इनको यूज किया जाता है टू, जैसे घर में होते हैं ना खुरपी, वैसे द फार्मिंग मेनली डिपेंड्स ऑन मॉनसून एंड नेचुरल फर्टिलिटी. मीन्स दे डोंट यूज एनीथिंग व्हिच इज इनऑर्गेनिक एंड इट इज ग्रोन एज पर द सूटेबिलिटी ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशन. मतलब अगर उस जगह पर उस पर्टिकुलर एनवायरमेंट में दिस क्रॉप इज ग्रोइंग तो वही क्रॉप ग्रो कर. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड स्लैश एंड बर्न. स्लैश एंड बर्न का मतलब क्या होता है? पार्ट ऑफ द लैंड इज लेफ्ट अनकल्टीवेटेड, फैलो, जिसको हम बोलते हैं फैलो, उसको हम बोलते हैं फैलो. एंड जो बाकी लैंड होता है उसको जो है जब बारिश आने वाली होती है जुलाई के आसपास, उनको जला दिया जाता है और उन एशेस में द सीड्स आर सोन. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज स्लैश एंड बर्न. इट हैज गॉट डिफरेंट नेम्स पेपर का. वन मार्कर क्वेश्चन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज झूम कल्टिवेशन, झूमिंग. देन इन ब्राजील इट इज कॉल्ड एज रोका. मतलब इसके अलग अलग आपके नाम है. दिस टाइप ऑफ फार्मिंग प्रोड्यूसेस इनफ क्रॉप टू सस्टेन द फैमिली. मतलब ये फैमिली को अपने, मतलब उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है उसके लिए पूरा होता. देन आफ्टर द कपल ऑफ सीजन, द जो पैच में उन्होंने पहले फार्मिंग लगाई थी उसको छोड़ देते हैं और दूसरी जगह पर करते हैं. इसको रोटेशन भी कहते हैं, स्लैश एंड बर्न भी कहते हैं, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस भी कहते हैं एंड झूमिंग भी कहते हैं. राइट, सो दिस इज आपका प्रिमिटिव. अब प्रिमिटिव में क्या होता है? वी आर हैविंग द ओल्डन काइंड्स ऑफ टूल्स, लाइक आपके हो, इफ यू सी ऑन द लेफ्ट साइड ऑन द इंडिडस, ये आपका पेपर का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन प्रिमिटिव एंड इंटेंसिव. तो जो आपके प्रिमिटिव टूल्स होते हैं लाइक हो, दाउ, डिगिंग स्टिक्स, इनको यूज करके जो है दे ग्रो द क्रॉप्स. नेक्स्ट इज इंटेंसिव. अब देखिए बच्चा, प्रिमिटिव था ओल्डन काइंड, इंटेंसिव का मतलब होता है जिसके अंदर आप बायोकेमिकल्स यूज करते हो. पालमपुर में आपका इंटेंसिव था और जो आपके पास एक्स्ट्रा होता है दैट इज सोल्ड इन द मार्केट. मतलब ग्रो करने के बाद जितना खुद के लिए चाहिए उतना रख लिया एंड द सरप्लस इज सोल्ड इन द मार्केट. बट यस, वी यूज द मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स एंड अदर इनपुट्स, प्रिमिटिव में हम यूज नहीं करते. दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस इन डेंसली पॉपुलेटेड एरिया. इट इन्वॉल्व्स डिग्री ऑफ बायोकेमिकल इनपुट इरिगेशन. देयर इज ह्यूज प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन ऑन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग. पेपर में आया, इसलिए अंडरलाइन करा. नाउ पिछले कुछ सालों में व्हाट हैज हैपेंड इज आपके जो साइजेस ऑफ प्लॉट हैं वो छोटे होते जा रहे हैं. पहले क्या होता था, एक बड़ा सा प्लॉट होता था, दादा दादाजी के नीचे, मतलब कि बड़े पापा, छोटे पापा, चाचू, मामू, ऐसे करके सब मिलके दे यूज टू डू इट. बट नाउ जैसे जैसे आपका जो है लैंड आपके जो है बट रहे हैं, द डिक्रीज इन दैट इज बिकमिंग वेरी डिफिकल्ट फॉर द फार्म. क्योंकि अब क्या है, छोटे एरियाज के अंदर उस तरीके से फार्मिंग नहीं हो पाती. सो दिस इज वन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ इंटेंसिव. लेकिन इंटेंसिव होता क्या है क्लास 10? इंटेंसिव होता है व्हेन यू आर टेकिंग लार्ज ट्रैक, उसमें आप HYV सीड्स है, इरिगेशन है, पेस्टिसाइड्स है, इंसेक्टिसाइड्स है, ये यूज करते हो. आपको अगर लगता है आपका फार्म इतना बड़ा है यू नीड लेबर, तो आप लेबर भी आप जो हो हायर करते हो. जितना आपके परिवार को चाहिए, सब्सिस्टेंस मींस द रिक्वायरमेंट फॉर योर फैमिली, आप उतना रखते हो एंड सेल आउट द सरप्लस इन द मार्केट. दैट इज व्हाट वी कॉल एज इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग. राइट, नाउ द थर्ड वन इज कमर्शियल. कमर्शियल में हम अपने लिए नहीं रखते हैं, इट इज द सोल पर्पस ऑफ सेलिंग द फार्म प्रोड्यूस. मतलब जितना हम प्रोड्यूस करेंगे वी वुड सेल इट आउट टू द गवर्नमेंट, टू द मार्केट. उसमें हमारे पास सेम HYV सीड्स, फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड,
पेस्टिसाइड्स जहां आपके कमर्शियल क्रॉपिंग किया जाता है, एंड कमर्शियल क्रॉपिंग को हम लोग जो है, जो कमर्शियल क्रॉप्स होते हैं उनको हम कैश क्रॉप्स भी बोलते हैं. वी ऑल्सो कॉल देम कैश क्रॉप्स. इन द इकोनॉमिक टर्म वी कॉल इट एज कैश क्रॉप्स. मतलब कैश क्रॉप्स मतलब उनको बेचकर वी अर्न द मनी. इट इज नॉट यूज फॉर सेल्फ यूज. आपके पंजाब हरियाणा जो यूपी है इधर आपका जो वीट है, दे आर ऑल कैश क्रॉप्स. सिमिलरली महाराष्ट्र वगैरह में जाओगे आपको ग्राउंड नट्स वगैरह मिल जाएंगे. इफ यू गो डाउन टूवर्ड्स तमिलनाडु वेस्ट बंगाल, वहां आपको राइस जो है दैट इज कैश क्रॉप्स. तो दैट इज आपके कैश क्रॉप्स भी बोलते हैं. कमर्शियल मीन्स दे आर प्रोड्यूस्ड फॉर द पर्पस ऑफ सेलिंग आउट. द सेलिंग कैन बी टू द गवर्नमेंट, एक्सपोर्ट हो सकता है, मार्केट में हो सकता है, एनी काइंड. इन द कमर्शियल ओनली. अब कमर्शियल में आपके दो तरीके के क्रॉप्स हो सकते हैं. वन इज आपका जो क्रॉप है विच यू आर यूजिंग, लाइक आपका वीट है, राइस है, दीज आर ऑल ऑल्सो आपके कमर्शियल. और दूसरा आपका जो कमर्शियल है दैट कैन बी प्लांटेशन. दैट कैन बी प्लांटेशन. नाउ व्हाट इज प्लांटेशन? प्लांटेशन इज प्लांटिंग द ट्रीज इन अ रो. एक ही रो के अंदर जो है उनको प्लांट करना. देन इन द कमर्शियल क्रॉप्स वी मे बी हैविंग टू और थ्री क्रॉप्स, बट इन द प्लांटेशन हमारा सिर्फ एक ही तरीके का क्रॉप होता है, लाइक टी, कॉफी, रबर, बनाना, ये सब आपके प्लांटेशन क्रॉप होते. प्लांटेशन इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग अ सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन अ लार्ज एरिया. इट रिक्वायर्स इंटेंसिव कैपिटल, लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स, एंड इट इज यूज्ड इन द इंडस्ट्रीज. और इनको हम लोग जो है इंडस्ट्रियल पर्पस में यूज करते हैं, लाइक वीट, राइस वगैरह स्टेपल होता है, लेकिन जो प्लांटेशन वाले होते हैं दे आर यूज्ड इन द इंडस्ट्री. टी, कॉफी, शुगर केन, बनाना, रबर. टी इज प्रोड्यूस्ड इन टी गार्डन्स ऑफ असम एंड नॉर्थ बंगाल. कॉफी तमिलनाडु, कर्नाटका. बनाना आपका बहुत सारी जगह, बट बिहार एंड महाराष्ट्र आर मेजर. इट रिक्वायर्स वेल डेवलप्ड नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एंड गुड मार्केट, क्योंकि वहां से इन क्रॉप्स को लेकर जाया जाता है टू द इंडस्ट्री, जहां इनको जो है टर्न आउट करके दे आर सोल्ड आउट इन द मार्केट्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल. राइट. सो टिल नाउ व्हाट वी हैव लर्न इज, वी हैव लर्न इंडिया इज एन एग्रेरियन कंट्री एंड वी हैव थ्री काइंड्स ऑफ फार्मिंग. फर्स्ट इज प्रिमिटिव, डन फॉर सेल्फ पर्पस विथ ओल्ड काइंड्स ऑफ टूल्स बेस्ड ऑन मॉनसून. देन आपका इंटेंसिव सब्सिस्टेंस, जहां आपका सरप्लस इज सोल्ड इन द मार्केट. थर्ड वन इज इन द कमर्शियल सेक्शन वी हैव वन कमर्शियल क्रॉप एंड अनदर प्लांटेशन. अब ये जो हम लोगों ने इतना बात किया, हाउ डू वी ग्रो देम, मतलब व्हाट इज द पैटर्न ऑफ ग्रोइंग दीज क्रॉप्स? तो इन आर कंट्री वी हैव मेनली थ्री सीजन्स. एक आपका होता है रबी, सेकेंड आपका होता है खारिफ, एंड थर्ड होता है जैद. रबी आर ऑल्सो कॉल्ड रबी और राबी, आप जो भी बोल सकते हो. दे आर ऑल्सो कॉल्ड द विंटर क्रॉप्स. खारिफ्स आर कॉल्ड एज द समर क्रॉप्स एंड जैद इन दोनों के बीच में. और आपके पेपर में इस पर्टिकुलर सेक्शन से नॉर्मली डिफरेंस बिटवीन रबी एंड खारिफ आया है, वेयर एज आपके जो क्रॉप्स हैं उनको आइडेंटिफिकेशन में आया. रबी क्रॉप्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज विंटर क्रॉप्स. दे आर सोन फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर एंड हार्वेस्टेड फ्रॉम अप्रैल टू जून. जैसे आपका बैसाखी आता है ना, तब इनकी कटाई होती है. वीट, बार्ली, पी, ग्राम, चना, मस्टर्ड, सरसों आर इम्पोर्टेंट रबी क्रॉप्स. एंड पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश आर ऑल
क्योंकि यहाँ आपके अभी देखोगे कि इनके लिए जो सर्दी चाहिए होती है ना, द टेम्परेचर दैट इज ओनली सुटेबल इन दीज एरिया. इन सदर्न साइड यू विल नॉट बी फाइंडिंग दिस मच ऑफ कोल्ड. और इनको जो है सर्दी चाहिए होती, एंड जो सर्दी में एक बारिश होती है जिसको हम बोलते हैं महावत. सर्दी में जो बारिश होती है, द विंटर मॉनसून विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज विंटर रेन विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज महावत, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ दीज काइंड ऑफ क्रॉप्स. खारिफ आर समर क्रॉप्स, दे आर सोन इन द बिगिनिंग ऑफ मॉनसून, जून जुलाई के आसपास में इनको सो करते हैं जो आपके, और अभी सितंबर अक्टूबर में दे आर कट. पैडी मीन्स राइस, मेज, जोवर, बाजरा, तुअर दैट इज दाल, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट एक्सेट्रा आर खारिफ. असम, वेस्ट बंगाल एंड कोस्टल रीजन ऑफ ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, उत्तर प्रदेश, बिहार आर राइस ग्रोइंग. ये आपके पेपर का मैप क्वेश्चन होगा. एंड इफ यू सी राइस इज द स्टेपल क्रॉप्स फॉर ओडिशा, वेस्ट बंगाल एंड सदर्न इंडिया. स्टेपल मतलब जो मेन क्रॉप होता है जिसको वो सबसे ज्यादा खाते हैं. इन द नॉर्दर्न बेल्ट नॉर्मली यू विल सी पीपल ईट मोर ऑफ वीट, रोटी ज्यादा खाते हैं. सो देयर स्टेपल इज वीट. एंड सदर्न पार्ट या फिर आपका जो ओडिशा वाला वेस्ट बंगाल वाला पार्ट है उनका स्टेपल फूड होता है राइस. ये पेपर के ही क्वेश्चंस हैं. नाउ इन असम, वेस्ट बंगाल एंड ओडिशा थ्री क्रॉप्स ऑफ पैडी आर ग्रोन. ये आपके वन मार्कर क्वेश्चन में आया हुआ है कि वहां पर जो पैडी है जो राइस है उसी के तीन तरीके तीन प्रकार होते हैं, ऑस, अमन एंड बोरो. आपको पता होगा कि जो राइस होता है इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ टेम्परेचर तो चाहिए, पानी बहुत चाहिए होता है. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर सोन एट वन एरिया, जब वो 1 इंच के हो जाते हैं पानी में देन दे आर ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. फॉर द पास्ट फ्यू इयर्स, कुछ पिछले सालों में, आपके पहले क्या होता था, मतलब इफ आई से 70s वगैरह का, 70s वगैरह के बारे में बात करूं तो इन इंडिया हमारा जो स्टेपल था जितने भी हम राइस ग्रो करते थे नॉर्मल राइस होता था. बट नाउ विद द इरिगेशनल फैसिलिटीज आपके जो पंजाब वाला एरिया है वहां बासमती राइसेस ग्रो, पहले वहां नहीं होता था. एंड दिस इज, और इसकी वजह से हमें फायदा क्या हुआ है, हमें फायदा ये हुआ है कि इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स ऑफ राइस. अगर आप यहाँ से सोनीपत की तरफ जाते हो, इफ यू गो सम टाइम, अगर आपको कभी घूमने जा रहे हो टूवर्ड्स चंडीगढ़, अंबाला, कुरुक्षेत्र, तो आप देखोगे दोनों तरफ आपके राइस के खेत हैं. आपको राइस का खेत ना भी दिखाई देगा लेकिन सारे राइस मिल्स आपको दिखाई देंगे, लाल महल, बासमत, उसका नाम क्या, दावत, कोहिनूर, ये सारे. एंड दिस इज बिकॉज ऑफ द इम्प्रूवमेंट इन द इरिगेशनल फैसिलिटीज. जैद आपका हमारा जो है अराउंड जून ये खत्म होता है, जहां पे आपके मई अप्रैल मई में कटाई हो जाती है. उसके बाद हमें मानसून के आसपास जो है वी हैव टू सो द खारिफ क्रॉप. वो जो बीच के महीना होता है उनमें हम वाटरमेलन, मस्क मेलन यानी कि आपके खरबूजा, तरबूज, कुकुम्बर, वेजिटेबल्स, फॉडर मतलब जो चारे का क्रॉप होता है ये सब हम. एंड शुगर केन इज प्लांटेड इन दिस सीजन, लेकिन उसको वो पेरिनियल है, सॉरी इट इज अ सिंगल वन, तो वो पूरे साल लेता है, नेक्स्ट ईयर ही कटती है. अब आते हैं हमारे मेजर क्रॉप्स. द थ्री मेजर क्रॉप पैटर्न हमारा था खारिफ, समर क्रॉप्स, रबी, विंटर क्रॉप्स एंड जैद इन बिटवीन. वीट इज द मतलब मेजर रबी क्रॉप एंड राइस इज अ मेजर खारिफ. आई सेड मेजर, ठीक है. नाउ इन द एग्जाम आपके पेपर में कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, फ्रॉम एक आपका आ सकता है राइट द क्लाइमेटिक कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर ग्रोइंग राइस. दूसरा आपके आ सकता है ये टेम्परेचर आपको दे दिया, आपको रेनफॉल दे दिया, आपको कोई एक जगह दे दी और आपसे पूछा जाए ये कौन सा क्रॉप है, आइडेंटिफाई. और अभी पीछे पिछले दिनों में दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन हैज बीन कमिंग.
राइट। इंडिया इज सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस आफ्टर चाइना, एंड राइस इज द स्टेपल फूड फॉर, ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये वो आइडेंटिफिकेशन में आया था, फॉर सदर्न इंडिया, देन आपका उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। इट रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर अराउंड 25 डिग्री एंड रेनफॉल अबाउ 100, सुटेबल इरिगेशन हो सकता है जहां लेस रेनफॉल हो। इट इज ग्रोन इन नॉर्दर्न प्लेन्स, आपका पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश वाला, नॉर्थ ईस्ट कोस्टल एरियाज, डेल्टास जहां पर है जैसे गोदावरी बेल्ट वहां पर। नाउ अ डेज राइस इज ऑल्सो ग्रोन इन पंजाब, हरियाणा, वेस्ट उत्तर प्रदेश एंड पार्ट ऑफ राजस्थान बिकॉज ऑफ डेंस नेटवर्क ऑफ कैनाल्स। एंड एज आई सेड, आपका जो पहले बासमती था, दिस वॉज नॉट दैट मच, बासमती वॉज वेरी कॉस्टली एट द अर्लियर पीरियड, बट टूडे इट इज, इट स्टार्ट फ्रॉम 60 एंड इट गोज टू थाउजेंड। वीट, नाउ वीट इज द मेन फूड क्रॉप इन नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट पार्ट्स, एंड इट रिक्वायर्स अराउंड 50 to 75 सेंटीमीटर ऑफ एनुअल रेनफॉल, जिसको हम लोग महावत भी बोलते हैं। एंड गंगा सतलज प्लेन्स आपका जो ऊपर है, दैट इज पंजाब वाला जो एरिया, कुछ पार्ट्स आपके ब्लैक सॉइल के, वो ये आपके मेजर है। मध्य प्रदेश में जो आपका वीट आता है ना, आशीर्वाद आटा, जो शरबती आटा बोलते हैं, द बेस्ट वीट दैट इज ग्रोन इन मध्य प्रदेश, आपका जिसको हम बोलते हैं शरबती आटा, बेसिकली आशीर्वाद वाले जो हैं, दे हैव देयर मिल्स ओवर देयर, एंड इट इज सेड एज वन ऑफ द बेस्ट वीट्स दैट वी प्रोड्यूस, दैट इज इन मध्य प्रदेश। नाउ लास्ट ईयर 2023 वॉज कॉल्ड एज द मिलेट ईयर, पेपर में आ सकता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लास्ट ईयर क्या था, मिलेट्स हमारे यहाँ कौन से होते हैं? वैसे तो आजकल बिकॉज ऑफ द यू नो मेनी काइंड्स ऑफ इलनेस, हम लोगों ने मिलेट्स खाने शुरू कर दिए हैं, बट मिलेट्स आपके मेनली यूज होते हैं इन द वेस्टर्न पार्ट्स, अगर हम देखते हैं जैसा राजस्थान है, महाराष्ट्र है, यहाँ तो बाजरे की रोटी, जौवर वगैरह, बहुत जौवर की रोटी वगैरह बनती है। इन तमिलनाडु रागी जो होता है, उसको छोटे बच्चों को ना उसका वो पुडिंग सा बना के खिलाते हैं, सो इट्स वेरी फेमस इन तम। बट नाउ बिकॉज ऑफ द हेल्थ कॉन्शियस, अब ये जो हेल्थ की वजह से आपके जो मिलेट्स है ना, दे हैव नाउ बिकम वेरी कॉमन इन आर, अगर आप अपने ब्लिंकिट पर या फिर कभी भी अपने जेप्टो पर डालोगे तो आप देखना, लिटिल मिलेट्स, फिंगर मिलेट्स, ये जो नेम है ना, जौवर, बाजरा, रागी, इन्हीं को अलग अलग नाम से बोला जाता है, राउंड मिलेट मतलब कि लिटिल मिलेट, फिंगर मिलेट करके बोलते हैं, सो दे आर वेरी गुड इन मतलब कि न्यूट्रिशनल वैल्यू एंड कीप्स योर ब्लड शुगर इन कंट्रोल। हॉर्स ग्राम मतलब ये आपके अलग अलग है, इफ यू सी जौवर, महाराष्ट्र इज द लार्जेस्ट फॉलोड बाय कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। कहीं पर भी बारिश ना भी होती हो वहां पे भी जौवर आ जाता है। बाजरा, बाजरे की रोटी इज वेरी फेमस इन राजस्थान, दे ईट इट विद दैट स्पेसिफिक काइंड ऑफ लहसुन की चटनी, दिस वेरी फेमस। सो बाजरा ग्रोज एंड बाजरा इज ऑल्सो वेरी गुड फॉर अदर पर्पसेस, इट्स ग्रोन इन राजस्थान, पेपर का क्वेश्चन, फॉलोड बाय यूपी, महाराष्ट्र, गुजरात एंड हरियाणा। रागी हमारा जो है, इट इज इन द रेड सॉइल, सबसे बड़ा कर्नाटका, फॉलोड बाय तमिलनाडु, एज आई सेड दैट इन आर मतलब तमिलनाडु के अंदर रागी इज एक्चुअली यूज एज अ पुडिंग एंड इट इज गिवन टू द चिल्ड्रन। नाउ यू नो ये जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, ये एक ऐसा क्रॉप है जिसके मम्मी से लेके पापा तक सबको आप लोग खाते हो, मम्मी से लेकर पापा तक सबको आप खाते हो, प्लस प्लस इसको आपके साथ जानवर भी खाता है, आपके साथ इसको जानवर भी खाता है, दिस इज मेज।
आपको पता देर इज अ डिफरेंस बिटवीन मेज एंड फॉर्म. मेज अगर आप देखोगे ऑन द ग्रोथ, वो ऊपर की तरफ आपका जो है मक्का जो है ऊपर की तरफ आता है, एंड कॉर्न्स आर डाउनवर्ड्स. मेज इट इज यूज एज फूड एंड फॉडर. कॉर्न का जो है फ्लोर बनता है जो हम लोग चाइनीज में यूज करते हैं, और जो मक्के की आटा होता है दैट वी यूज इट फॉर द रोटी जो बनाते हैं उसके लिए यूज होता है. इफ यू सी जो मक्के की आटा होता है ना वो थोड़ा येलोइश होता है, कॉर्नफ्लावर इज व्हाइट. जो मेज है इट इज यूज एज फूड यानी कि हमारे खाने के लिए, एंड फॉडर यानी कि चारे के लिए, यानी कि ये हमारे और जानवरों के बीच का कॉमन पॉइंट है. एज आई सेड वी यूज इट्स फ्रॉम इट्स मदर टू व्हाट वी कॉल एज फादर. तो अगर आपको पता हो तो मॉम कॉर्न यानी कि भुट्टा, फिर भुट्टे को जब आप पकाते हो पॉपकॉर्न यानी कि उसका बेटा नहीं उसके फादर, फिर उसके छोटे छोटे से जो बेबी कॉर्न्स यानी कि बच्चा है ना, तो मदर फादर चिल्ड्रन सबको हम खाते हैं. एंड उसका जो आटा होता है दैट वी यूज इट फॉर अवर रोटीज एंड ऑल ब्रेड एंड ऑल, एंड ऑफ कोर्स उसका जो आपके इट इज ऑल्सो यूज फॉर द फॉडर राइट. नेक्स्ट इज पल्सेस. इंडिया इज द लार्जेस्ट कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस. इंडिया में कोई ऐसी शादी नहीं होगी फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी, फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल, जहां पर आपका दाल ना होता हो. द ओनली थिंग इज द वे ऑफ प्रिपरेशन इज डिफरेंट. बस विदाउट दाल वी डोंट स्टार्ट अवर डे है ना. सो पल्सेस हमारा यहाँ पर बहुत सारा, एंड पल्सेस में वी हैव अ नंबर ऑफ पल्सेस. एंड पल्सेस में एक सबसे अच्छी बात होती है अरहर दाल जो होता है दैट इज लेगुमिनस. आपको पता होगा कि आपके जो पल्सेस होते हैं वो मटर होता है, दे इट इज इनसाइड, वो छिलके के अंदर होता है लेगुमिनस. सो दे और अरहर जो होता है वो नाइट्रेट को प्रोड्यूस करता है. सो देर आर सो मेनी, इसको जो है वी कैन ग्रो विथ अदर क्रॉप्स ऑल्सो. एंड पल्सेस आपके जितने भी हैं यू कैन फाइंड आउट, चना दाल, अरहर दाल, उड़द दाल, पीस, वाइट चना, काला चना. सो यू हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ पल्सेस विच वी यूज इन आर डेली फूड. नेक्स्ट इज शुगर केन. शुगर केन के ऊपर आपके नेक्स्ट चैप्टर में पूरा अलग से ही यू हैव द टॉपिक इन मैन्युफैक्चरिंग. शुगर केन आपका जो है इट नीड्स ह्यूमिड एंड हॉट क्लाइमेट अराउंड 21 to 27, एंड इंडिया राइट नाउ इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन. लेकिन गुड़ एंड खंडसारी में हम नंबर वन है. गुड़ एंड खंडसारी जो आपका पाउडर जो आपका होता है शुगर, वो गुड़ उसमें हम नंबर वन है, वेयर इज इन शुगर में हम सेकेंड है. ब्राजील इज नंबर वन. यूपी बेल्ट आपका सबसे बड़ा आपका है. इफ यू गो ओवर टू मीरठ की तरफ आप जाओगे दोनों तरफ यू कैन फाइंड आउट द यू कैन सी द शुगर केन क्रॉप्स. बट यस नाउ महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु वगैरह में भी आपका ज्यादा है. और आपके नेक्स्ट चैप्टर से क्वेश्चन आता है कि फॉर द पास्ट फ्यू ईयर्स शुगर केन इंडस्ट्री इज शिफ्टिंग टू सदर्न एरिया स्पेसिफिकली महाराष्ट्र. वाई? बिकॉज वहां पर जो आपका क्लाइमेट है वो ज्यादा ह्यूमिड होता है, हॉट होता है, क्रशिंग पीरियड वहां लंबा होता है, यहाँ बारिश आ जाती है, एंड वहां पर दे ऑल्सो हैव अ गुड कोऑपरेटिव नेटवर्क. नेक्स्ट पेपर नेक्स्ट चैप्टर में है ऑयल सीड्स. हम ऑयल सीड्स को यूज करते हैं इन द मतलब कि अगर हम कहें फॉर द फूड आइटम्स ऑल्सो, एंड वी आर यूजिंग इट फॉर अदर एरियाज ऑल्सो. जैसे कैस्टर है, कैस्टर ऑयल इज यूज एज अ कॉस्मेटिक. कैस्टर ऑयल हमारा कॉस्मेटिक में यूज होता है. काजल जो बनता है दैट इज मेड विथ कैस्टर ऑयल. जो प्योर काजल होता है कैस्टर ऑयल में कैम्फर, कैम्फर मतलब आपका कर्पूर, उसको मतलब कि जलाकर उससे बनाया जाता है प्योर काजल. एज वेल एज कैस्टर ऑयल इज ऑल्सो यूज फॉर योर इंजन एंड अदर पर्पस. तो वी हैव वी यूज इट फॉर डिफरेंट पर्पस.
दे आर एडिबल ऑल्सो, नॉन एडिबल ऑल्सो. एडिबल मतलब जिनको हम खा सकते हैं. वी हैव ग्राउंड नट, मस्टर्ड, कोकोनट, सिजमी यानी कि तिल, सोयाबीन, कैस्टर, कॉटन सीड, लिनसीड, सनफ्लावर. इनको मैक्सिमम वी आर यूजिंग इन द ऑयल वे. दैट इज व्हाई दे से वी आर सेड एज ऑयल सीड्स. देन ग्राउंड नट, आपके पेपर में ग्राउंड नट से क्वेश्चन आया हुआ है कि विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंड नट. इट इज आंध्र प्रदेश. वैसे तो आई शुड से महाराष्ट्र शुड बी सेकेंड बिकॉज उनके हर खाने में ग्राउंड नट होता है. विदाउट ग्राउंड नट दे डोंट प्रिपेयर फूड. इट्स अ खारिफ क्रॉप. लिनसीड एंड मस्टर्ड आर रबी क्रॉप्स. मस्टर्ड आपका पंजाब, सरसों की खेती. सिसमी इज खारिफ इन नॉर्थ एंड रबी इन साउथ. मतलब यहाँ पे गर्मियों में उगाया जाता है, वहां दे डू इट इन विंटर सीजन. कैस्टर इज बोथ रबी एंड खारिफ क्रॉप्स. यहां तक जो हमने पढ़ा था, दीज आर ऑल द फूड क्रॉप्स विच वी हैव बीन यूजिंग इन द डेली और इट मे बी अ कमर्शियल. अब जो हम पढ़ रहे हैं टी एंड कॉफी, दे आर कॉल्ड एज बेवरेजेस. दे आर कॉल्ड एज बेवरेजेस, जिनको हम पीते हैं. आपके पेपर में तीन बेवरेजेस का नाम आता है जबकि आपके बुक के अंदर दो दिया हुआ है, टी कॉफी एंड द थर्ड वन यू कैन यूज इट कोको, इवन दो इंडिया में इतना नहीं है. टी इज ग्रोन इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल, यानी कि आपके नीचे जो केरला, तमिलनाडु यहां पर भी है, एंड ऑफकोर्स दार्जिलिंग, असम, दिज आर द टॉप मोस्ट. टी इज एन लेबर इंडस्ट्री. मतलब यहां पर अगर आप देखो ऑन द लेफ्ट, दे हैव टू यूज लॉट्स ऑफ लेबर क्योंकि पहले उनको प्लक करना पड़ता है. अभी आपका एक चैप्टर है ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया, उसमें भी है ये वाला. दे हैव टू सेलेक्ट, इट हैज गॉट टू और थ्री फ्लशिंग सीजन. मतलब दो या तीन बार आपके जो ये टी लीव्स होते हैं ना, ये ब्लूम करते हैं और फिर इन टी लीव्स को जो है तोड़ना पड़ता है. एंड देन वी हैव टू सेग्रीगेट देम एंड देन अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिटी इनको हम अलग अलग करते हैं. एंड यू नो हमारे यहाँ पर दार्जिलिंग इज फेमस फॉर द यूनिक टी एंड इंडिया इज लीडिंग प्रोड्यूसर. बट जो हम लोग हमारे यहाँ पर हम जो नॉर्मल लेते हैं ना, दीज आर द यू कैन से लीस्ट वेराइटीज. जो बेस्ट वेराइटीज है ना हमारे यहाँ, दे आर नॉर्मली यू नो एक्सपोर्टेड. इट इज यूज फॉर द मेडिसिनल पर्पसेज ऑल्सो, इट इज यूज फॉर द बेवरेज पर्पज ऑल्सो. आजकल तो आपको पता है ग्रीन टी, लेमन टी, जिंजर टी, नीम टी, मतलब टी को हम लोगों ने वेराइटीज में डाल दिया है. सो टी लीव्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. कुछ जगहों पे टी का जो लीव होता है उसको आपने देखा होगा ब्लैक कलर का होता है पीस के, और कुछ जगहों पे इट इज इन द लीफ वे, समटाइम्स इट इज इन अ पाउच, जस्ट आप उसको जो है यू आर टेकिंग इट. एंड तो इट इज यूज इन डिफरेंट वेज एंड अराउंड द वर्ल्ड जो टी कंजम्पशन है वो बहुत ज्यादा है. कॉफी इट्स एक्चुअली नॉट एन इंडियन क्रॉप, इट वॉज ब्रॉट बाय द यमेंस. ये लोग लेकर आए थे एंड दे हैड इंट्रोड्यूस्ड इट इन द बाबा बुदम हिल्स, दैट इज इन कर्नाटका. और आपका कर्नाटका सबसे मतलब कि कूर्ग जो है, इट इज सेड टू बी द बेस्ट. देन तमिलनाडु जहां आपके कॉफी प्लांटेशन आते हैं, ऑफकोर्स केरला इज ऑल्सो देयर, बट कर्नाटका कूर्ग इज एक्चुअली कॉफी हेवन. जैसे असम आपका टी हेवन है, कर्नाटका आपका कॉफी हेवन है. नेक्स्ट इज बाकी हमारे पास वी आर ऑल्सो हैविंग डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रूट्स, लाइक मैंगोज आर फेमस फ्रॉम महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, यूपी, वेस्ट बंगाल. हम कहते हैं ना महाराष्ट्र का रत्नागिरी. देन लंगड़ा आम, यू मस्ट हैव हर्ड इट. दशहरी विच इज ग्रीनिश बट अंदर से पल्प होता है वैसा. देन वी हैव ऑरेंज, बेसिकली नागपुर इज वेरी फेमस एंड चेरापुंजी. देन केरला, मिजोरम, महाराष्ट्र, तमिलनाडु में आपके बनानाज हैं बट केरला बनानाज आर वेरी फेमस, दे आर वेरी लॉन्ग, दे आर यूज फॉर मेकिंग दोज डिलीशियस चिप्स.
लिच्ची एंड ग्वावा इन उत्तर प्रदेश एंड बिहार, पाइनएप्पल अगेन मेघालय। ग्रेप्स आपके दो तरीके के होते हैं, ग्रीन होता है, ब्लैक होता है। जो आपके ब्लैक ग्रेप्स होते हैं ना, दे आर मोर इन आंध्र प्रदेश। एप्पल, पियर, एप्रिकॉट, ये सब आपके जो है, दे आर ऑल इन द हिली एरियाज, जो आपका यूज होता है इन डिफरेंट वे। ये तो थे फ्रूट्स। इसके अलावा वी ऑल्सो हैव द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, जिसको हम मतलब हॉर्टिकल्चर के नाम से जानते हैं, जिनमें हम वेजिटेबल्स को ग्रो करते हैं। दे मे बी ग्रोन इन द नर्सरी, दे मे बी ग्रोन इन अ फार्मिंग, जिनको हम हॉर्टिकल्चर कहते हैं। एंड सिल्क के रियरिंग को, जो सिल्क निकाला जाता है, उसको हम कहते हैं सेरीकल्चर। अभी आगे पढ़ोगे, ये सारे हम फूड क्रॉप्स पढ़ रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर हम ये पढ़ रहे हैं। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड का 13% हम करते हैं, और शायद ही इंडिया में कोई ऐसा मतलब कि वेजिटेबल हो जो ना ग्रो होता हो। पहले आपके कुछ मतलब कि जो वेजिटेबल्स है, दे वर नॉट, बट नाउ ऑल द वेजिटेबल्स आर ग्रोन इन इंडिया, लाइक पी, दैट इज मटर, कॉलीफ्लावर, अनियन, कैबेज, टमाटो, ब्रिंजल, पोटैटो, गोज ऑन। इन द नॉन फूड क्रॉप्स, दैट इज विच इज कमर्शियल, विच इज नॉट एडिबल, हमारा है रबर। रबर आपका ये पेपर में जो क्वेश्चन आया है, दिस इज द वन विच हैज कम। इट एक्चुअली ग्रोस जहां आपका टेम्परेचर इक्वल है, लाइक केरला, तमिलनाडु। मैक्सिमम आप रबर प्लांटेशन अंडमान एंड निकोबार में देख सकते हो, बिकॉज देयर यू हैव द इक्वेटेरियल एंड यू कैन सी लार्ज प्लांटेशन ऑफ रबर, बेसिकली वहां पर ही है। इट रिक्वायर्स ह्यूमिड एंड मॉइस्ट क्लाइमेट, प्लस आपको बारिश भी बहुत तेज चाहिए, अराउंड 25 डिग्री। इट्स इन केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, अंडमान, लेकिन अंडमान निकोबार बहुत फेमस है। एंड ऑफ कोर्स आल्सो इन द घारो हिल्स ऑफ मेघालय, वी आर फिफ्थ प्रोड्यूसर। इसमें आइडेंटिफिकेशन में आ सकता है, या राइट द जोग्राफिकल एंड क्लाइमेटिक कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर रबर। तो बच्चा, क्लाइमेट कंडीशन, टेम्परेचर एंड रेनफॉल, ये तीनों याद रखना। कॉटन, कॉटन इंडिया एक तरफ, वंस वी वर द टॉप मोस्ट, बिकॉज इंडिया का जो डेक्कन प्लेटू है, स्पेसिफिकली द कर्नाटका बेल्ट, द महाराष्ट्र बेल्ट, द गुजरात बेल्ट एंड ऑफ कोर्स पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश, यहाँ आपका ब्लैक कॉटन सॉइल पाया जाता है। और यहाँ पर आपका जो कॉटन है वो ग्रो होता है, विच इज यूज इन वेरियस टेक्सटाइल पर्पसेस। इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन। इट ग्रोज इन ड्राई पैट्स ऑफ कॉटन, ब्लैक कॉटन सॉइल इन डेक्कन प्लेटू। हाई टेम्परेचर, लाइट रेनफॉल, ये आपका ब्लैक कॉटन सॉइल आपका फर्स्ट से है, सो यू कैन एक्सपेक्ट द सेम क्वेश्चन हेयर ऑल्सो। इसका दूसरा नाम क्या है वो। इट रिक्वायर्स 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज एंड ब्राइट सनशाइन, मतलब कोई फ्रॉस्ट नहीं होना चाहिए। द क्रॉप रिक्वायर्स 6 to 8 months टू मेच्योर। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, एपी, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा वगैरह है, बट मेन आपका सदर्न बेल्ट। नेक्स्ट जूट, जूट पर भी क्लास 10 आपके नेक्स्ट चैप्टर में पूरा है, बिकॉज यू हैव अ सेपरेट क्वेश्चन। तो जिस जिस चैप्टर में जो क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आई एम जस्ट मार्किंग इट देयर इटसेल्फ, मतलब फ्रॉम दिस चैप्टर से ज्यादा उधर से आएगा आपका। जूट हमारा जो है, इट इज एन इंडस्ट्रियल क्रॉप, इट इज एन इंडस्ट्रियल क्रॉप। एंड बिफोर 1947 से पहले इंडिया वॉज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट, बट आफ्टर द इंडिपेंडेंस जो आपका मेजर जूट ग्रोइंग एरिया था, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल वाला, वो आपका बांग्लादेश चला गया। सो नाउ वी आर हैविंग फ्यू एरियाज, बट क्योंकि वो कॉमन प्लॉट तो कॉमन ही है, वो उधर मतलब कि उस तरफ आपका बांग्लादेश है, इधर है, तो इधर वाले एरिया में जो है, वी आर हैविंग द जूट। जूट को प्रोसेस करना काफी डिफिकल्ट होता है, इट्स जस्ट लाइक द
शुगर केन, उसको पूरा निकाल के प्रोसेस करके इट इज यूज्ड इन डिफरेंट पर्पसेस, आपके आर्ट बैग्स, जूट बैग्स, इन सब के लिए यूज होता है. यू विल बी गेटिंग द क्वेश्चन फ्रॉम जूट फ्रॉम द नेक्स्ट चैप्टर. रियरिंग ऑफ सिल्क इज कॉल्ड एज सेरिकल्चर एंड इन इंडिया वी हैव सिल्क इन कश्मीर, दैट इज आपका कश्मीर सिल्क. देन यू हैव उत्तर प्रदेश बनारसी सिल्क, देन यू हैव मध्य प्रदेश, वहां पर आपका माहेश्वरी सिल्क, देन यू हैव तमिलनाडु कांजीवुरम सिल्क, देन यू हैव सिल्क इन अनदर एरियाज लाइक आंध्र प्रदेश कर्नाटका मैसूर सिल्क. आपके जो सिल्क है दे आर मतलब कि सेरिकल्चर्ड इन वेरियस एरिया. तो जो सिल्क होता है उसमें मलबरी होती है, उन उनके ककून से निकाला जाता है. तो दैट इज आपका सिल्क. इसमें आपका पेपर में रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म आता है, बस दैट इज यू यू हैव. नाउ फ्रॉम द मैप यू मे गेट फ्रॉम द क्रॉप्स लाइक वीट, देन आपका राइस, देन ग्राउंड मतलब पेपर में कॉफी टी, ये आपके ज्यादा आए फ्रॉम द मैप्स. तो ये तो था हमारा कि व्हाट आर द मेजर, व्हाट इज द पैटर्न ऑफ इंडियाज क्रॉपिंग. पहले हमारा फार्मिंग सिस्टम, फिर क्रॉपिंग पैटर्न दैट इज सॉरी खारिफ रबी एंड जैद, फिर व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्रॉप्स. वी हैव द फूड वन एंड नॉन फूड. फूड के अंदर हम लोगों ने स्टेपल भी पढ़ा, पल्सेस भी पढ़े, मिलेट्स भी हमने पढ़े, देन हमने हॉर्टिकल्चर भी पढ़ा. Then in the non, we have jute, we have rubber, we have cotton. अब है कि for the past few years, how agriculture has transformed. पहले जो आपका लैंड था ना वो unequally distributed था. मतलब जो ब्रिटिश टाइम में क्या होता था, मोस्ट ऑफ द लैंड जो थे they were vacant. तो दे यूज टू बी जस्ट ऑक्यूपाइड, उसको लोग ऑक्यूपाई कर लेते थे. एंड ब्रिटिश लोग क्या करते थे, जिनके साथ उनको खुशी मिलती थी, दे वुड बी गिविंग देम द लैंड एज अ गिफ्ट. तो दिस रिजल्टेड इन अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड. किसी किसी के पास ज्यादा लैंड है तो किसी के पास है ही नहीं. तो देर वॉज अ टाइम वेन पीपल रियलाइज, और हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान जब बना था तो उसके अंदर जो है सबसे पहली चीज ली गई थी कि हम लैंड को रिफॉर्म करें, यानी कि जिनके पास नहीं है उनको दें. एंड इसका जो मूवमेंट था दैट वाज स्टार्टेड बाय अ पर्सन कॉल्ड विनोबा भावे. विनोबा भावे को महात्मा गांधी का स्पिरिचुअल एयर यानी कि उनका वारिस कहा जाता है, बिकॉज ही यूज टू फॉलो नॉन वायलेंस. उन्होंने लोगों से जाकर गांव गांव में जगह जगह पर रिक्वेस्ट किया टू इंटेंशनली मतलब अपने आप ही अपने लैंड को सरकार को वापस कर. एंड देर वर मेनी पीपल हु डिड इट, लाइक इन आंध्र प्रदेश देर वॉज अ मैन जिसने अपने 80 एकर्स जो लैंड है ही गेव टू 80 फार्मर्स. इस मतलब की मूवमेंट से many of the farmers were benefited and there was no violence, there was no matlab sirf government ne itna kaha tha ki if you are returning the land yourself so aapko tax nahi dena padega. So many of the big landlords donated the part of their land to landless farmers. As this movement did not have any violence, isko hum bloodless revolution bhi kehte hain. आपके पेपर में विनोबा भावे कौन था, ब्लडलेस रिवॉल्यूशन किसको कहते हैं, ये दो क्वेश्चन आते हैं इस कंसेप्ट. नेक्स्ट जो लैंड के लिए किया गया था वो था ग्रीन रेवोल्यूशन. एंड ग्रीन रेवोल्यूशन वॉज डन बाय मिसेस इंदिरा गांधी इन 1968. उन्होंने किया था 1968 में, जब इट वॉज मतलब कि एंटिसिपेटेड कि इंडिया के अंदर देयर माइट बी अ प्रॉब्लम ऑफ फूड. और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए देयर वाज वन उस वक्त में था
कि आप HYV सीड्स जो है दे कैन बी बॉट फ्रॉम द लेबोरेटरीज। तो मिसेज इंदिरा गांधी जो उस वक्त में हमारी प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने इस इनिशिएटिव को लिया था एंड पंजाब के फार्मर्स को, हरियाणा के फार्मर्स को ये वाले जो सीड्स हैं वो दिए थे ऑन लेस रेट, सब्सिडाइज रेट्स, एंड पूरा का पूरा वो जो एरिया था ड्यू टू HYV सीड्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, इरिगेशन, उसकी वजह से वो एरिया पूरा ग्रीन हो गया था, जिसको हम हिंदी में हरित क्रांति बोलते हैं, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज ग्रीन रेवोल्यूशन। नेक्स्ट इज सिमिलरली, इवन दो नॉट अ क्रॉप, लेकिन मिल्क में भी हमारा एक प्रॉब्लम आया था कि देयर वर सम एरिया जहां पर दूध पानी की तरह बहता था, एंड देयर वर सम एरियाज वेयर मिल्क वॉज नॉट देयर। YouTube डालकर देखना, देयर इज वन वेरी फेमस, स्मिता पाटिल है, बहुत फेमस एक्ट्रेस है, आई डोंट नो यू नो और नॉट, राज बब्बर की वाइफ, प्रतीक बब्बर की मदर, शी हैड एक्टेड इन दैट पर्टिकुलर मंथन करके एक है, उसमें एक गाना आता है, मुझे वो गाना पूरी तरीके से नहीं याद है, सर राजस्थानी, द लेडीज कैरी द मिल्क पॉट ऑन देयर हेड एंड दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। उससे क्या होता था, टाइम वेस्ट होता था, कभी कभी दूध खराब होता था, एंड एवरीवन वाज नॉट एबल टू सेल आउट। देयर वर एरियाज जहां काफी, मतलब मिल्क वाज इन एक्सेस, एंड देयर वर एरियाज जहां मिल्क मिलता भी नहीं था। सो दिस प्रॉब्लम वाज सॉल्व विथ वन ऑफ अ वेरी, मतलब एक यूनिक एक वो लिया गया था, एंड दैट वॉज डन बाय वन ऑफ द पर्सन कॉल्ड कुरियन, KUREIN, कुरियन, ही इज कॉल्ड एज द मिल्क मैन ऑफ इंडिया। जैसे हम अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन कहते हैं, उनको मिल्क मैन कहते थे। ही इंट्रोड्यूस अ सिस्टम ऑफ ऑपरेशन फ्लड। इसमें क्या था कि जितने भी आपके मिल्क मैन थे, इन लोगों को बोला गया कि आप लोग आसपास में, मतलब उधर एक जगह ले ली गई, उनको बोला गया कि इधर यू कैन ब्रिंग योर ओन बफलोज, आप यहाँ पर जो हो इनको बांध सकते हो, और आप अपने दूध को लाकर यहाँ पर डाल सकते हो। नाउ वो जो जितने भी फार्मर्स होते थे जिनके पास अपने कैटल होते थे, दे वुड इधर ब्रिंग देयर बफलो और काउ देयर, और दे वुड ब्रिंग द मिल्क, और उनकी जो वैल्यू होती थी उसके अकॉर्डिंग उनको पैसा मिल जाता। इस तरीके से दूध को कलेक्ट करके इन द मशीन प्रोसेस करके इन डिफरेंट फॉर्म्स, इट वुड बी बॉटल्ड, इट वुड बी रीफिल्ड, एंड इसको जो है अलग अलग जगहों पे भेजा जाने लगा। और ये जो काम था ये स्टार्ट किया था एज आई सेड मिस्टर कुरियन ने, एंड दिस वॉज स्टार्टेड इन अ प्लेस कॉल्ड आनंदा। इट वॉज स्टार्टेड इन अ प्लेस कॉल्ड आनंदा, और वहां पे आनंदा मिल्क यूनिफाइड लिमिटेड ये सेटअप हुआ, जिसको आज हम जानते हैं विद द नेम अमूल। आनंदा मिल्क यूनिफाइड लिमिटेड, अमूल, ऐसे आपका अमूल स्टार्ट हुआ। टुडे अमूल इज नॉट ओनली केटरिंग टू द नीड्स ऑफ मिल्क, इट इज ऑल्सो चीज, बटर, आइसक्रीम्स एंड नंबर ऑफ वेराइटीज। तो ऐसे आपका ये व्हाइट रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। राइट नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अ वेरी इंपॉर्टेंट, अ वेरी रिपीटेड क्वेश्चन इन द एग्जाम, व्हाट वर द स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट टू इम्प्रूव द एग्रीकल्चरल सेक्टर, या आप लेफ्ट साइड में देख सकते हैं, इट इज रिटन व्हाट आर द इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स फॉर्म बाय द गवर्नमेंट टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर, वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर। पहला, गवर्नमेंट वैसे तो फर्स्ट प्लान में ही हम लोगों ने 5 ईयर प्लान के अंदर, जो हमारा पहला 5 ईयर प्लान था, उसका मैक्सिमम बजट, जैसे आज बजट हुआ था, उसका मैक्सिमम बजट वॉज गिवन फॉर एग्रीकल्चर। तो हमारा फर्स्ट 5 ईयर था दैट वॉज फोकस्ड ऑन इम्प्रूविंग एग्रीकल्चर। देन ग्रीन रेवोल्यूशन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था, जिसमें एग्रीकल्चर को ज्यादा करने के लिए जो भी कोशिश थी, लाइक HYV सीड्स, इरिगेशन, इनको किया गया। देन इन द 80s एंड 90s द गवर्नमेंट आल्सो गॉट न्यू स्कीम्स, लाइक पहले क्रॉप्स के इंश्योरेंस नहीं होते थे,
क्रॉप मतलब बारिश नहीं आई, फ्लड आ गया, साइक्लोन आ गया, टर्माइट आ गया, जैसे आपका वो चैप्टर है लेटर टू गॉड, उनमें द लॉस वॉज ऑफ द फार्मर, उसके लिए द क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम वॉज इंट्रोड्यूस्ड. इन द रूरल एरियाज ग्रामीण बैंक्स, नेबार्ड, नेशनल बैंक ऑफ रूरल डेवलपमेंट, कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो फार्मर्स को लोन दे सके उनको ओपन किया गया. द क्रेडिट कार्ड विच ओनली केटर्स फॉर द किसान, इसमें ज्यादा अमाउंट नहीं होता है, बट वो लोग जो सीड्स या मतलब ये सामान लेना चाहते हैं उसके लिए वो क्रेडिट कार्ड उनको दिया जाता है. पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम, इसको भी इंट्रोड्यूस किया गया. प्लस आप लोग में तो शायद ही कोई देखता होगा, इन द दूरदर्शन एंड इन दी ऑन मतलब कि जो आपका AIR प्लेटफॉर्म होता है उनमें आपके कृषि दर्शन करके एक प्रोग्राम आता है, कृषि दर्शन, उसके अंदर दे गिव ऑल द न्यूज रिलेटेड टू द कृषि, मतलब व्हाट आर द थिंग्स दे हैव इंट्रोड्यूस्ड, व्हाट आर द मतलब जैसे गवर्नमेंट क्या है, कुछ आपके जो एरियाज हैं लाइक आपका जितने भी वीट राइस वगैरह इनको खरीदती है डायरेक्टली फ्रॉम द फार्मर्स, विच इज कॉल्ड एज MSP. तो ये MSP आपका एवरी ईयर अनाउंस होता है. सो थ्रू द दीज प्रोग्राम्स दे ट्राई टू इनिशिएट, अगर कुछ नया टेक्निकल आया है वो भी बताते हैं, देन जो वेदर से रिलेटेड जो न्यूज है वो भी बताते हैं. तो कृषि दर्शन ऑन द दूरदर्शन प्लेटफॉर्म एज वेल एज देर आर सम मतलब कि कुछ न्यूज एज वेल एज स्पेशल प्रोग्राम्स होते हैं इन द AIR, जिसके थ्रू, क्योंकि ये दोनों आपके अनपेड चैनल्स हैं, दे आर अवेलेबल ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, सॉरी अक्रॉस इंडिया, सबसे पुअरेस्ट रूरल विलेज में भी आपको ये रेडियो में ये सब चीजें मिल जाती हैं. सो इसके थ्रू उनको जो है नए नए प्रोग्राम्स, नए नए स्कीम्स ये सब बताया जाता है जिससे कि द फार्मर्स आर बेनिफिटेड. इन दिस ईयर और दिस ईयर ऑल्सो द गवर्नमेंट हैज एलोकेटेड अ गुड नंबर ऑफ फंड फॉर द एग्रीकल्चर, जिससे कि एग्रीकल्चरल जो प्रॉब्लम्स है उनको हम फेस कर सकें. दो नो इंडस्ट्री इज फ्री ऑफ प्रॉब्लम्स, इवन इन एग्रीकल्चर हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं. इफ यू सी राइट नाउ द प्राइस ऑफ स्मॉल मतलब कि जो जिन सब्जियों को हम लोग ऐसे कहते थे अच्छी भिंडी बैंगन, दे आर ऑल्सो नाउ रेजिंग मतलब टचिंग द स्काई, स्काई रॉकेटिंग. एंड इफ यू आस्क द फार्मर्स, उनके लिए दे आर नथिंग. तो देर इज लॉट ऑफ मिडिल मैन बीच में होते हैं जिसकी वजह से एग्रीकल्चरल सेक्टर हमारा इतना इम्प्रूव नहीं होता, बट इफ वी आर इम्प्रूविंग बिकॉज एग्रीकल्चर हमारा मेन सर्विस मतलब फर्स्ट सेक्टर है, तो वी नीड टू इम्प्रूव इट. हमें और टेक्नोलॉजिकली इसको स्ट्रॉन्ग करना है. देर आर मेनी कॉलेजेस जो एग्रीकल्चर को डील करते हैं, देर आर कॉलेजेस जो एग्रो मतलब कि यूनिवर्सिटीज कहलाते हैं, इन देहरादून यू हैव, इन उत्तर प्रदेश यू हैव. इफ मोर पीपल आर ट्रेन तो हमारा एग्रीकल्चरल सेक्टर जो है दैट कैन इम्प्रूव एंड हम ज्यादा एक्सपोर्ट कर सकते हैं एंड अर्न द रेवेन्यू. तो एग्रीकल्चर सेक्टर इज मेनली डिपेंडेंट ऑन द सॉइल, इट इज मेनली डिपेंडेंट ऑन द क्लाइमेट, इट इज मेनली डिपेंडेंट ऑन द रेनफॉल, इन सबके ऊपर आपका एग्रीकल्चर आपका डिपेंडेंट है. सो दिस इज द चैप्टर एग्रीकल्चर. वी हैव रेड द टाइप्स ऑफ फार्मिंग, प्रिमिटिव एंड इंटेंसिव, देन कमर्शियल, अंडर कमर्शियल कैश क्रॉप्स एंड प्लांटेशन, देन द थ्री पैटर्न्स खारिफ राबी एंड जैद, देन ऑल द काइंड्स ऑफ क्रॉप दैट इज ग्रोन इन इंडिया, देन हॉर्टिकल्चर, सेरिकल्चर, देन द नॉन फूड क्रॉप दैट वी हैव. रबर को यूज करने का आपके बुक के अंदर एक ग्राफ दिया हुआ है जिसमें आता है कि रबर हम किस किस जगह पे यूज करते हैं, लाइक रबर्स आर यूज एज ग्लव्स, दे आर यूज फॉर मेकिंग दी फुटवेयर, दे आर क्योंकि वो आपको जो है इलेक्ट्रिसिटी शॉक से बचाता है, एंड देन दे आर यूज फॉर द सैडल ऑफ द हॉर्सेस, आपके देन टायर्स, ट्यूब्स, ये दैट ग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर बुक. देन व्हाट आर द मेजर्स विच वर टेकन ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस एंड आफ्टर द इंडिपेंडेंस, व्हाट आर द गवर्नमेंट मेजर्स, ये वाले जो पॉइंट्स हैं ये आपको लिखना. दैट्स ऑल इन द चैप्टर.
what we call as agriculture.